आटा महंगा, महंगाई महंगी दवाई, हाय महंगाई हाय महंगाई। शहरियों का पारा हाई, जनूबी पंजाब में गोश्त सब्जियां दालें चीनी घी और फल पहुंच से दूर। सुबह शाम एक ही जिक्र, आम आदमी को रोटी की फिक्र, ढाबे से एक वक्त का खाना भी आवाम के लिए मुश्किल हो गया। पहले हम 100 का लेते थे, ये आप 250 का लिया जी, इतनी महंगाई आ गई है, हर चीज महंगी है, अब क्या करें, गरीब आदमी तो कुछ खा ही नहीं सकता भाई, क्या खाए। महंगाई महंगाई हर तरफ एक ही दुहाई, आटा घी चीनी चाय की पत्ती बिस्किट मसाले गोश्त सब महंगा। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी 110 रुपए फी किलो हो गई, चाय की पत्ती की फी किलो कीमत में 40 रुपए तक का इजाफा, घी भी 5 रुपए किलो महंगा, छोटा गोश्त 1200 रुपए का 900 ग्राम मिलने लगा। मुल्तान में दो हफ्तों में ब्रायलर 150 रुपए तक महंगा, मियांवाली में खुश्क दूध की कीमत 90, बिस्किट 5 और खुर्दनी तेल की कीमत 100 रुपए बढ़ गई। चीनी 110 से 120 रुपए किलो मिल रही है, घी 350 रुपए से ऊपर जायद रेट पे मिल रहा है, आटा ये आपके सामने आटा दिखा रहे हैं, ये आटा मिल रहा है, नाकिस आटा है, बदबूदार आटा है, रोटी खाने के लायक नहीं है, इन लोगों ने रेट बढ़ा रखे हैं। इसके अलावा फल फ्रूट आप खरीद नहीं सकते, दूध आप पी नहीं सकते, दही खरीद नहीं सकते, ये सब चीज़ें आपके खरीदो पहुँच से बहुत दूर। महंगाई बहुत हो गई है जी, गरीब बंदा तो कुछ भी नहीं ले सकता, सब्जी महंगी, आटा महंगा, चीनी महंगी, मजदूरी कम है, 600 रुपया 700 रुपया दिहाड़ी वाला क्या खरीदेगा। वज़ीर-ए-आज़म के शहर मियांवाली के आवाम पानी की बूंद बूंद को तरस गए, खटक बेल्ट के अक्सर देहाती इलाकों में पीने का पानी नायाब, आवाम आलूदा पानी पीने पर मजबूर, 3 अरब की खतीर रकम भी मकीनों को साफ पानी फराहम करने में नाकाम। 2 साल से जारी साफ पानी के मनसूबे भी मुतादिद इलाकों में साफ पानी ना पहुँचा सके। चश्मिया गलाखेल चापरी और गिरदोनवा के वासियों का हुकूमत से नोटिस का मुतालबा। मियांवाली में सेहत के शोबे से अच्छी खबर, DHK अस्पताल में मजीद 200 बेड्स की मंजूरी मिल गई। CEO हेल्थ डॉक्टर राय समीलना कहा कि मनसूबा 3 साल में मुकम्मल होगा, अमले को हायर करने का भी मंजूरी मिल गई। सेहत सहूलियात की दस्तियाबी में कौन आगे कौन पीछे, रोहिणी तफसीलात हासिल कर ली। CEO हेल्थ अथॉरिटी में भक्कर के CEO हेल्थ का पंजाब भर में पहला नंबर, DHK अस्पताल की रैंकिंग में MS DHK मुजफ्फरगढ़ की पहली पोजीशन, MS शहबाज शरीफ अस्पताल मुल्तान का तीसरा नंबर। CEO हेल्थ अथॉरिटी की रैंकिंग में DG खान छठे और मुल्तान सातवें नंबर पर, CEO बहावलनगर नवें, राजनपुर तेरहवें, मुजफ्फरगढ़ 17वें और रहिंदर खान 18वें नंबर पर रहे। मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की अपग्रेडेशन से मुतालिक अच्छी खबर, कमिश्नर डॉक्टर इरशाद अहमद ने दिसंबर में कार्डियोलॉजी की OPD फाल होने की नवीद सुना दी। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर का कार्डियोलॉजी अपग्रेडेशन साइट का दौरा, कहते हैं कार्डियोलॉजी अस्पताल न्यू ब्लॉक 208 बेड्स पर मुश्तमिल, तो सी मनसूबे पर 3 अरब रुपये से जायद लागत आए। मुल्तान में स्टेडियम रोड पर पड़ा गढ़ा 2 दिन बाद भर दिया गया, आवासा हुकाम की जानिब से रोड की बहाली का काम मुकम्मल, सीवरेज लाइन के मरम्मती काम के बाद गढ़े को पुर किया गया। MD वासा नासिर इकबाल ने शहर में गढ़े पड़ने के बजाय वो सीधा सीवरेज सिस्टम करार दे दिया। जनूबी पंजाब में कोरोना की चौथी लहर, मुजफ्फरगढ़ में दवा और मियांवाली में एक ही मरीज जान से गया, एक ही रोज में 250 नए केसेस रिपोर्ट, मुल्तान में मुस्बत केसेस की शरह 5% रिकॉर्ड, 49 अफराद वायरस का शिकार, सरगोधा में 57, लैया में 33 अफराद मुतासर, मियांवाली में 23 और DG खान में 22 अफराद वायरस का शिकार, रहीमर खान में 16, राजनपुर में 14 अफराद मुतासर, बहावलपुर में 8, बहावलनगर भक्कर और खुशाब में 6-6 अफराद कोरोना में मुबतला, मुजफ्फरगढ़ में 5 और लोधरा में 4 का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। साबिक गवर्नर पंजाब रफीक रजवाना की तबीयत नासाज, डेंगू बुखार में मुबतला, मुल्तान में लीगी कारकुनान की जानिब से रफीक रजवाना की जल्द सेहतियाबी के लिए बकरे का सदका, दुआ का एहतमाम भी किया गया।
जनूबी पंजाब भर में नादरा सर्विस 10 घंटों के लिए मुअत्तल। सिस्टम अपग्रेडेशन के बाद से शनाख्ती कार्ड, कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट और दीगर सहूलियात बंद। आज रात 10 से कल सुबह 8 बजे तक नादरा सर्विस मुअत्तल रखी जाएगी। खानेवाल डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में मरीजों को इलाज और मुआवजे की सहूलियात का भुगतान। ट्रामा सेंटर, थर्मामीटर और ब्लड प्रेशर चेक करने की सहूलत से महरूम मरीज ब्लड टेस्ट प्राइवेट लेबोरेटरी से कराने और दवाइयां बाहर से लेने पर मजबूर। एमएस डॉक्टर सोहेल सलीम के मुताबिक मरीजों को बेहतर तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए कोशिश। पहले होगी सफाई सुथराई, फिर होगी पढ़ाई लिखाई। जहानिया में चक 139 दस्तार गर्ल्स स्कूल इंतजामिया ने तालिबात को झाड़ू थमा दिए। वीडियो सामने आने पर डिप्टी कमिश्नर जहीर अब्बास शिराजी का नोटिस। एसी जहानिया को जिम्मेदारों का तायुन करने की हिदायत। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एजुकेशन मोहम्मद अल्ताफ ने इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी। रोहित टीवी चैनल की वसात से अभी भी पता चला था, मैंने फौरी तौर पर उसके लिए एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी है और इसमें जिम्मेदारान के खिलाफ इंशाल्लाह सख्त कार्रवाई की जाएगी। सेक्टर लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स पंजाब लियाकत अली चट्ठा चार्ज संभालते ही इन एक्शन। मुल्तान में ख्वाजा फरीद सोशल सिक्योरिटी अस्पताल का दौरा, मुख्तलिफ शोबाजात का तफसीली मुआयना, मरीजों और उनके लवाहिकीन से मसाइल दरियाफ्त किए। सेक्टर लेबर की अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। नशे के आदि मरीजों का होगा इलाज। मुल्तान में सोशल वेलफेयर ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर में नया ब्लॉक तामीर करने का ऐलान। नए ब्लॉक की तामीर के लिए 7 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर। नशे के आदि मरीजों के लिए लाइब्रेरी और स्विमिंग पूल भी बनाया जाएगा। डेरा गाजी खान में हादसात के बायस कोयटा रोड ब्लॉक होने का मामला। पॉलिटिकल असिस्टेंट कोही सुलेमान मोहम्मद इकराम मलिक का कबायली इलाके राखी घाट का दौरा। ब्रेक फेल होने वाले ट्रकों को अपनी मदद आप के तहत हटवा दिया। बीएमपी अफसरान और ट्रांसपोर्टर से मीटिंग। ट्रैफिक को हर सूरत रवां रखने की हिदायत। मुल्तान में चेहलम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिलसिले में इंतजाम मुकम्मल। कमिश्नर डॉक्टर इरशाद अहमद का डिप्टी कमिश्नर आमिर करीम खान के हमरा रूस का दौरा। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर का सीपीओ के हमरा अंदरून शहर में पैदल मार्च। सिक्योरिटी इंतजाम को फूल प्रूफ करार दे दिया। वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे पर रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मुल्तान में तकरीब। ड्वेन रॉयल इंस्टीट्यूट निसारुर रहमान मुनव्वर हयात और डॉक्टर मोहम्मद अजीज और डायरेक्टर हज कॉम्प्लेक्स रेहान खोकर की शिरकत। डीन रॉयल इंस्टीट्यूट निसारुर रहमान ने कहा कि अद्वियात के शोबे के लिए फार्मासिस्ट की बहुत जरूरत है। और बिहारी में इंटर स्कूल तहसील और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स जारी। अल हिलाल हॉकी क्लब में गर्ल्स हॉकी मैच, पहला मैच एमसी गर्ल्स और 911 डब्ल्यू बी स्कूल के दरमियान खेला गया। दोनों टीमों ने एक एक गोल से मैच बराबर कर लिया।